साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये अगेन होने वाला है एक मीशो हॉल। एंड आज मैं मीशो से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अमेजिंग से सेलिब्रिटी स्टाइल डिजाइनर आउटफिट, जिनके कोड्स आपने मुझे दिए थे, तो आई होप आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे एंड एज यूजुअल आपको कलेक्शन पसंद आएगा। जितने भी आउटफिट है कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इन्हें बाय कर सकते हैं। एंड एज यूजुअल सारे आउटफिट रीसेलिंग में है, और अगर आप इनमें से कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो आप रीसेलिंग प्राइस में मुझसे बाय कर सकते हैं। इसके लिए आप रीसेलिंग प्राइस स्क्रीन पे मैं यहाँ पे डालूंगी, आप चेक कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए एंड मुझे आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है जो ऑलरेडी मैंने वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, पर स्क्रीन पे भी दे दूंगी यहाँ पे, तो वहां पे जाइए, आप मुझे मैसेज कीजिए, वहां से परचेज कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास सिंगल पीस होता है तो वो सोल्ड आउट हो जाता है, तो अगर आपको लेना है तो आप ऑन टाइम मुझे मैसेज कीजिए। एंड मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए लिंक से, जिससे आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे उस टाइम जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हॉल वीडियो। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि लगता नहीं आपकी शादी हुई है, आप बहुत ज्यादा सिंपल रहते हो। तो सबका अपना अपना होता है, मुझे ज्यादा पहनना और ज्यादा ज्वेलरी कैरी करना पसंद नहीं है। एक तो मेरे क्या है ना, ज्वेलरी से प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा इरिटेशन फील होता है एंड रैशेज आ जाते हैं, जिस वजह से मैं कैरी नहीं कर सकती हूँ। तो सबका अपना अपना पसंद होती है, नापसंद होती है, लेकिन मुझे थोड़ा कम ही पसंद है। मतलब जितना मैं कैरी करती हूँ उतना वीडियो में कैरी करती हूँ, बाकी मैं घर में आप देखोगे ना या तो मैं बहुत सिंपल रहना पसंद करती हूँ। तो चलिए मैंने सोचा इस कमेंट का रिप्लाई दे देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे पास ये वाले कमेंट आ रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हॉल वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बहुत ब्यूटीफुल से आउटफिट से, जो कि ना व्हाइट कलर में है और ये फ्लोरल प्रिंट में है। ये काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था एंड बिल्कुल ट्रेंडी था। पैकेजिंग कुछ इस तरीके की आई है, अब देखते हैं आया कैसे है। बाकी ना रेटिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी थी इसकी, एंड ये कुछ इस तरीके की आपको लहंगा देखने को मिल जाएगा। इसमें स्कर्ट है, फ्लोरल प्रिंट में है एंड इसका जो फैब्रिक है ना वो काइंड ऑफ जॉर्जेट फैब्रिक है। ये वेस्ट है इसकी, जिसमें आपको फ्लोरल प्रिंट देखने को मिल जाएगा, डिजिटल प्रिंट में है और ये फ्री साइज में है, अप टू 42 से अप टू 44। तो अगर आप एक्सेल डबल एक्सेल साइज में है तो भी आपके इजीली आ जाएगा। फैब्रिक क्वालिटी अच्छी है, प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा है, प्योर व्हाइट कलर है, पर है ना इसमें आपको कैंकेन और कैनवास कुछ भी नहीं मिल रहा है। पर अगर आप इसे कैंकेन स्कर्ट के साथ स्टाइल करोगे ना तो इसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। अंदर की साइड आपको प्रॉपर इसमें साटिन की लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, फ्लेयर वगैरह काफी अच्छा है, आप साइड में देख सकते हैं। एंड ना इसकी रेटिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी, प्लस ना मुझे इसका डिजाइन भी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था इस ड्रेस का, इसलिए मैंने परचेज किया। साथ में ना इन्होंने नाड़ा भी दिया हुआ है, आपको अलग से नाड़ा लेने की जरूरत नहीं है, मिलेगा आपको। प्लस साथ में ना उसमें टैसल्स भी मिल जाएंगे, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है। तो इस तरीके की कुछ स्कर्ट आई है और साथ में आपको मिल जाएगा ये वाला क्रॉप टॉप, जो कि बहुत ही ज्यादा डिजाइनर है। एंड यार है ना ये ड्रेस जब आप स्टाइल करोगे कंप्लीट, जब आप इसे स्टिच कराओगे, इस लहंगे को स्टाइल करोगे कैनकैन स्कर्ट के साथ, सच में बहुत ब्यूटीफुल लुक आने वाला है। ये आपको वन शोल्डर टॉप देखने को मिलेगी, यहाँ पे बस ये प्लास्टिक की इस तरीके की स्ट्रैप दी हुई है, बाकी ये वन शोल्डर टॉप है, फ्री साइज में है। एंड लुक एट दिस, ड्यूअल पैटर्न में है, यहाँ पे आपको प्लेन पैटर्न देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे फ्लोरल प्रिंट है एंड कुछ इस तरीके की स्लीव्स आएगी, इलास्टिक वाली है। फुल लुक एक बार आप साइड में देखना, ये एक पैडेड क्रॉप टॉप है एंड आपको अलग से पैड लगवाने की नीड नहीं है, फ्री साइज में है, एक्सल डबल एक्सल साइज तक इजीली आ जाएगा। अंदर की साइड प्रॉपर लाइनिंग अटैच है, साइड में जिप अटैच है, आप इजीली इसे ऑल्टर करा सकते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग। बाकी इसका डिजाइन बहुत ज्यादा ट्रेंडी है, और इस तरीके की अगर ड्रेस पहनने में, मतलब स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहनने में आप कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लुक आएगा इसका। तो राइज नेक्स्ट आउटफिट को शेयर करने से पहले मुझे एक बैंगल्स आपके साथ शेयर करने थे, जो कि मैंने अभी पहने हुए हैं। एंड ये बैंगल्स की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी आपने कहाँ से परचेस किया है, ये है फ्रॉम दी ब्रांड रत्नावली ज्वेल्स, पैकेजिंग कुछ इस तरीके की आई थी एंड ये प्रॉपर अमेरिकन डायमंड में कटिंग वर्क में ये वाले जो बैंगल्स है प्रॉपर आपको गोल्डन कलर में देखने को मिल जाएंगे एंड काफी ज्यादा ब्रॉड है। क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, स्पेशली वेडिंग फंक्शन हो या फिर कोई भी फेस्टिवल हो तो एथनिक वेयर के ऊपर स्टाइल करने के लिए बहुत ही अच्छा
अच्छा पीस है, बस आप ये पहन लो, आपको कुछ भी और पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि काफी ज्यादा ब्रॉड है एंड ये प्रॉपर आपको गोल्डन कलर में देखने को मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात है बहुत ज्यादा लाइट वेट में है एंड आप देखोगे ना प्रॉपर इस पे जो है कटिंग वर्क के स्टोन लगाए हुए हैं, कटिंग वर्क है पूरा जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है एंड शाइनिंग इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। रत्नावली के जितने भी बैंगल्स आते हैं ना सभी बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं, तो आप ये वाले बैंगल्स को ट्राई कर सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं स्टाइल करने के बाद एंड काफी ज्यादा ब्रॉड है। तो यहाँ पे आपको ना स्क्रीन पे व्यू प्रोडक्ट का जो है ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट आ रहा होगा, उस पर टैप करके आप इन्हें परचेज कर सकते हो एंड पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो मैं इन बैंगल्स को है जो टैप कर रही हूँ वहां पे जाइए व्यू प्रोडक्ट पे एंड वहां से आप पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ इन्हें परचेज कर। अब आते हैं नेक्स्ट आउटफिट की तरफ। नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया है आज, ये भी बहुत प्यारा 3-पीस सेट है, प्रॉपर कॉटन में है एंड काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था ये स्टाइल करने के बाद। साइज जो मैंने लिया है ना इसमें एल साइज लिया है, मे बी शायद मीडियम या स्मॉल अवेलेबल नहीं होगा तो मुझे एल लेना पड़ा एंड इसमें आपको क्रॉप टॉप मिल जाती है, ऊपर से जैकेट स्टाइल श्रग देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्रॉप टॉप बताती हूँ जो कि प्योर कॉटन फैब्रिक में है, ग्रे कलर में आपको ये देखने को मिल जाएगी एंड कुछ इस तरीके की प्रिंटेड आपको ये क्रॉप टॉप देखने को मिलेगी। प्योर कॉटन फैब्रिक है, फैब्रिक क्वालिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इस तरीके की आपको जैकेट देखने को मिल जाती है, यहाँ पे डोरी दी हुई है जिसे आप टाई अप कर सकते हो, बाकी पूरी ओपन है। फुल लुक एक बार आप साइड में देखना एंड आप कलर देख सकते हो काफी ज्यादा सुंदर है, ब्लू कलर में है एंड पूरी आपको इस तरीके की प्रिंटेड देखने को मिल जाएगी। फैब्रिक क्वालिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग है एंड साथ में आपको मिलता है नीचे इलास्टिक वाली इस तरीके की प्योर कॉटन फैब्रिक में स्कर्ट जो कि काफी सुंदर लग रही है। क्रॉप टॉप और स्कर्ट है ना सेम है और ये जो जैकेट है वो आपको फ्लोरल प्रिंट में देखने को मिलती है, इलास्टिक वाली है, पहनने के बाद बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। ये वाली ड्रेस कोई भी फंक्शन वगैरह में स्टाइल करना हो तो आप इसे कर सकते हो। साइज में भी शायद अभी अवेलेबल हो गए होंगे तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कॉटन फैब्रिक में प्योर कॉटन है तो एक साइज बड़ा ही परचेज करना, मे बी वॉश करने के बाद श्रिंक हो सकता है तो इसलिए अपने साइज से एक बड़ा साइज परचेज करना। तो एल साइज मेरे लिए परफेक्ट रहेगा क्योंकि मैं वैसे भी मीडियम परचेज करती हूँ। अब जो नेक्स्ट में आपके लिए ये भी एक सूट सेट है, ग्रीन कलर में है एंड ये भी काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था मुझे, रेटिंग इसकी भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। जॉर्जेट फैब्रिक में आपको देखने को मिल जाएगा, ग्रीन कलर का है इस तरीके का, फुल लेंथ में यह वाला आपको सूट देखने को मिलेगा, बिल्कुल प्लेन है, इसमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इसका दुपट्टा बहुत ज्यादा प्यारा है, इस तरीके की आपको स्लीव्स देखने को मिल जाएगी, अंदर की साइड प्रॉपर इसमें लाइनिंग अटैच है एंड इसमें जो मैंने साइज लिया है ना वो मीडियम साइज है, इसमें आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के ले सकते हो। ये जॉर्जेट फैब्रिक में अंदर की साइड है ना प्रॉपर इसमें आपको साटिंग की लाइनिंग देखने को मिल जाती है, तो कुछ इस तरीके की गाउन आएगी। साथ में जो दुपट्टा दिया हुआ है वो काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब पूरी ड्रेस है जो ऑलमोस्ट प्लेन ही है, बस दुपट्टा है जो है ना इस तरीके का जॉर्जेट फैब्रिक में एंड यहाँ पे ना शिमर फैब्रिक की कुछ इस तरीके की ब्लैक कलर की इतनी ब्रॉड इस पे लेस लगाई हुई है चारों तरफ, बाकी बिल्कुल ही आपको प्लेन देखने को मिल जाएगा। तो काफी प्लेन सा क्लासी सा सूट है, 2.25 मीटर में दुपट्टा है, इसे आप स्टाइल कर सकते हो हैवी ज्वेलरी के साथ, काफी अच्छा लुक आ जाएगा जब ज्वेलरी के साथ आप इसे स्टाइल करोगे। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मैं 2 टॉप के ऑप्शन आपके लिए लेके आई हूँ, एक शर्ट ऑप्शन है एक टॉप का ऑप्शन है। सबसे पहले मैं व्हाइट कलर की टॉप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आपको कोई क्लासी टॉप लेनी है जिसका डिजाइन अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा हो, थोड़ा क्लास भी लगे पहनने के बाद, स्मार्ट लगे कोई भी डेनिम के साथ पहनने को और लेंथ वगैरह भी सही हो, तो आप ये वाली व्हाइट कलर की टॉप ट्राई कर सकते हो। एक तो इसका फैब्रिक है ना ठीक है, तो अभी जैसे विंटर्स का टाइम चल रहा है तो ये जो टॉप है काफ़ी सही रहेगी विंटर्स के अकॉर्डिंग, काफ़ी थिक फैब्रिक है इसका एंड इसका फ्रंट है ना आपको नेक कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। ये स्लीव्स है, स्लीव्स पे आपको कुछ इस तरीके की पफी स्लीव्स देखने को मिलेगी, बैक है ना पीछे से स्क्वायर शेप में है, बाकी लेंथ आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड इसमें जो मैंने साइज लिया है ना वो मीडियम लिया है, इसमें आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज कर सकते हो। कलर ऑप्शन भी बहुत सारे अवेलेबल है, आपको जो कलर लेना हो ना आप अपने अकॉर्डिंग कलर देख के चेकआउट कर सकते हो। मुझे व्हाइट कलर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था इस टॉप के अंदर, बहुत क्लासी है, कंफर्टेबल पीस है, तो डेफिनेटली इसे चेकआउट करना। और नेक्स्ट और लास्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एक शर्ट है, शर्ट आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, स्पेशली ना जब विंटर्स का टाइम हो तो शर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है स्टाइल करने के बाद, तो वो ना ये वाला कलर मैं काफ़ी टाइम से शर्ट में ढूंढ रही थी एंड इस पर जो टैग है ना वो ज़ारा कलेक्शन का टैग है, आप देखोगे ना यहाँ पे
एंड इस तरीके की शर्ट आई है, साटिन फैब्रिक में है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, साइज स्मॉल है। मैंने सेम ये वाली शर्ट है ना, सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंट था यहाँ से फ्रंट उसका, मतलब थोड़ा डीप था। ये ज़ारा में देखी थी ऑफलाइन, जब मैं गई थी शोरूम तो वहाँ पे देखी थी, तो वो मैंने परचेज की थी, लेकिन फिर मैंने पहना तो मुझे वो बहुत ज़्यादा डीप लग रही थी, तो मैंने उसे फिर रिटर्न कर दिया। सेम मैंने फिर जब मीशो पे ढूंढा तो मुझे मिल गई है। इसमें ऊपर तक आपको बटन देखने को मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा डीप मैं पहनना पसंद भी नहीं करती और मैं कम्फर्टेबल नहीं होती हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। सेम कलर था ये वाला, एंड कुछ इस तरीके की साटिन फैब्रिक में, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अब देखते हैं फिटिंग वगैरह कैसी आती है। मैंने इसमें स्मॉल साइज लिया है, क्योंकि फिट जब है ना अच्छे से फिटिंग में होती है तब भी अच्छी लगती है ये। बाकी इसमें आपको मीडियम एल साइज मिल जाएंगे, मैं देखूंगी अगर मुझे साइज एक्सचेंज कराना हुआ मैं करा लूंगी। बाकी फैब्रिक जो क्वालिटी है, अच्छा साटिन फैब्रिक इसमें यूज़ किया हुआ है, एंड लेंथ वगैरह भी प्रॉपर है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। बहुत प्यारी है विंटर्स के अकॉर्डिंग, एंड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल। तो गाइस ये था आज का मेरा कंप्लीट कलेक्शन मीशो से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड आपके लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। जितने भी आउटफिट शेयर किए हैं कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप इन्हें बाय कर सकते हैं। बैंगल्स को एक बार जरूर से व्यू प्रोडक्ट में जाके देख लेना, बिकॉज काफी क्लासी बैंगल्स है एंड अभी इन स्टॉक है, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो प्लीज 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 लाइक करना, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएंगे एंड आपसे मेरी वीडियो मिस नहीं होगी। एंड और कुछ मीशो से देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।